अच्छा हम गाइस बिल्टिन में दिखाए गए कुछ कंफ्यूजिंग एपिसोड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि इन एपिसोड्स में होने वाले घटनाएं आम तरीके से नहीं होते हैं, और जब आप इन एपिसोड्स को एक से ज्यादा बार देखोगे तब भी आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा। ये क्या है? इस लिस्ट में मैंने उन 5 एपिसोड्स को लिया है जिन्हें मैं कई बार देख चुकी हूँ, पर उनके प्लॉट को मैं अभी भी समझ नहीं पाई हूँ। तो चलिए जानते हैं बिल्टिन के वो 5 कंफ्यूजिंग एपिसोड्स के बारे में, और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये एपिसोड्स इतने कंफ्यूजिंग क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 5, क्विंटिन एपिसोड। बिल्टिन क्लासिक सीरीज के इस एपिसोड में क्विन को ओमनीट्रिक्स मिला और पेन के बजाय क्विन ने ओमनीट्रिक्स को यूज किया। लेकिन इस एपिसोड में कंफ्यूजिंग चीज ये था कि अगर सभी चीजें शुरुआत से हो रही है तो पेन को आगे होने वाले सभी घटनाओं के बारे में कैसे पता था। उसे ओमनीट्रिक्स और विगक्स के बारे में पता था। और एक कंफ्यूजिंग चीज ये है कि इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक कॉमिक बुक को क्यों दिखाया गया, जबकि बिल्टिन में हमें ऐसा ओपनिंग किसी दूसरे एपिसोड में देखने को नहीं मिला है। आखिर में यहाँ ओमनीट्रिक्स ग्रैंडपा मैक्स को मिल गया था, तो क्या इस टाइमलाइन में ओमनीट्रिक्स को आगे ग्रैंडपा मैक्स यूज करेंगे? एंडिंग में हमारे हीरोज ने विगक्स को हरा दिया था और विगक्स अपने शिप के साथ फट गया था, तो क्या इस टाइमलाइन में विगक्स मर चुका है? ये बात अभी भी मिस्ट्री है जो कि हमारे मन में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। नंबर 4, प्लीज टू द टाइमर अगेन। बिल्टिन ओमनीवर्स का टाइमर वाला एपिसोड बहुत एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत कंफ्यूजिंग था। इस एपिसोड में जब पेन और रुक टाइम बेस्ट को रोकने में नाकाम हो जाते थे तब टाइम रिवर्स हो जाता था और सब कुछ अंडरटाउन के उस घटना से स्टार्ट होता था जब पेन और रुक का एक्सीडेंट हुआ। पर यहाँ कंफ्यूजिंग चीज ये है कि इस टाइम टाइम रिवर्स कैसे हो रहा था और क्यों हो रहा था, ये हमें पता नहीं है। अगर टाइम रिवर्स नहीं होता तो क्या टाइम वेस्ट की वजह से ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता? एपिसोड के एंडिंग में हमें बेन और रूक के दो क्लोन्स देखने को मिले। प्रोफेसर पैराडॉक्स ने कहा था कि वो इन पास्ट बेन और रूक को उनके टाइमलाइन में छोड़ देंगे, पर उन्हें ऐसा करते हुए हमें दिखाया नहीं गया है। इसके अलावा जब पैराडॉक्स के साथ बाकी सभी टाइम वेस्ट को सक्सेसफुली रोक पाए थे तब योन ने कैसे टाइम वेस्ट के दो अंडे चोरी कर लिया था? ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें नहीं मिल पाए इस एपिसोड में, इसलिए ये एपिसोड भी एक कंफ्यूजिंग एपिसोड बन जाता है। नंबर 3, बेनेगेन। बिल्टिन ओमनीवर्स सीरीज के बेनेगेन एपिसोड में योन ने 11 साल के पेन और 16 साल के पेन के सोल को एक्सचेंज कर दिया था, जिसके वजह से 11 साल के पेन के बॉडी में 16 साल का पेन था, 16 साल के पेन के बॉडी में 11 साल का पेन था। सो तो ठीक है, लेकिन इस एपिसोड में मेन कंफ्यूजन तब क्रिएट हुई जब दोनों पेन ने अपने ओमनीवर्स को सिंक्रोनाइज किया और दोनों ही पेन क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म हो गए, जबकि क्लासिक ओमनीवर्स में क्लॉकवर्क का डीएनए नहीं था। बेनेगेन एपिसोड के एंडिंग में दोनों पेन के सोल एक्सचेंज हो जाता है और पैराडॉक्स इन दोनों के मेमोरीज को इरेज कर देते हैं, और हमारे बेन को लगता है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब पैराडॉक्स के अलावा और किसी को भी ये घटना याद नहीं है। नंबर 2, टाइम हील। इस एपिसोड में क्वीन अपने मैजिक पावर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट को जाती है केबिन को ठीक करने के लिए, बट वो यहाँ एक बार नहीं पूरे 2 बार पास्ट में टाइम ट्रेवल करती है। फर्स्ट टाइम जब वो केबिन को म्यूटेड होने से रोक लेती है, फ्यूचर में चार्मकास्टर वेलूर शहर पे कब्जा कर लेती है, और क्वीन को पैराडॉक्स बताते है कि फ्यूचर वाली क्वीन मर चुकी है। हैरानी की बात तो ये है कि हेक्स को पता था कि क्वीन अभी भी जिंदा है। क्वीन फिर से टाइम ट्रेवल करती है पास्ट में, उसे पास्ट में एक नहीं बल्कि 2-2 क्वीन देखने को मिलती है। पूरे 3 दिन क्वीन को एक साथ देखकर कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। क्वीन का तो हम समझ सकते हैं, लेकिन क्वीन टाइम ट्रेवल करके अपने 2 कॉपीज से मिली, ये थोड़ा अजीब सा है। और एक बात ये है कि यहाँ जब ओमनीट्रिक्स फट गया था मतलब तब यहाँ एक के बजाय पूरे 3 क्वीन थे। मुझे तो ये वाला एपिसोड पूरा कंफ्यूजिंग लगा। नंबर 1, ओपन एक्साई पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस एपिसोड में रूटर्स आए थे प्लम्बर हेडक्वार्टर में। जब रूटर्स ने बिल्टिन में कदम रखा तब उन्होंने केबिन और ऑस्मोसियन के कॉन्सेप्ट को ऐसे बदला कि सभी बिल्टिन फैंस अभी भी कंफ्यूज थे कि केबिन सच में एक ऑस्मोसियन है या नहीं। डॉक्टर सर्पेंटस ने डेविन लेविन की फेक मेमोरी को क्रिएट किया था। अगर डेविन लेविन एग्जिस्ट नहीं करता है तो केबिन कहाँ से आया और केबिन को उसके पावर्स कहाँ से मिले? रूटर्स बेन टेनिसन को यूनिवर्स के लिए खतरा मानते हैं, पर अभी तक बिल्टिन में ये रिवील नहीं हुआ कि रूटर्स को बेन के बारे में कैसे पता चला। टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट पूरा कंफ्यूजिंग होता है। हमने अभी अभी जिन 5 एपिसोड्स के बारे में डिस्कस किया उनमें से 4 एपिसोड टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये एपिसोड्स कंफ्यूजिंग है। अगर आप लोग बिल्टिन में होने वाले कुछ लकीस्ट मोमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में।